अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। विटामिन सी का सोर्स लेमन है हमारे लिए, और हमने इसे हासिल भी लेमन के थ्रू ही करना है, क्योंकि जो बाज़ार से मिलते हैं विटामिन सी का जूसेस जो मिलते हैं, विटामिन सी का जो सिरप कह रहे होते हैं, वो एस्कॉर्बिक एसिड है, जिसमें विटामिन सी बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो हम अगर लेमन यूज़ करेंगे तो हमें इसमें विटामिन सी भी मिलेगा, इसके अलावा और बहुत से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो विटामिन सी को एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में। और विटामिन सी खुद जो बहुत ज़्यादा विटामिन जो उनसे हैं, मुख्तलिफ किस्म के मैग्नीशियम है, पोटाशियम है और आयरन है, इसको सबसे ज़्यादा आयरन को ये एब्जॉर्ब करवाने में विटामिन सी हमारी हेल्प करता है। तो अब विटामिन सी नहीं होगा तो किस तरह एब्जॉर्बेबिलिटी उसकी हो पाएगी। तो अब ये कितना ज़रूरी है विटामिन सी और कहाँ से हासिल होना है, ये हमने नेचुरल फूड लेमन के थ्रू हासिल करना है इसको। और लेमन जो सा है वो इतना फ़ायदेमंद होने के बावजूद कुछ लोगों के लिए ये खाने के बाद जहर बन जाता है, उनके लिए बहुत नुकसानदेह बन जाता है, ठीक है। तो अब वो किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि जो थायराइड के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, इसके अलावा जो अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, जिनको ये खाने के बाद जिनके लिए नुकसानदेह है, और किस वजह से है ये नुकसानदेह, और वो किस तरह से इसको सेहतमंद तरीके से हासिल कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं उन चीज़ों को बताऊंगी कि जिसकी वजह से ये नुकसानदेह उन लोगों के लिए बन रहा है, और किस तरह से उन्होंने इसको फ़ायदेमंद करके कन्वर्ट करके तो उसे हासिल करना है। तो अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब हो क्या रहा है, मैंने विटामिन सी पे वीडियो बनाया था कि विटामिन सी के इतने फ़ायदे हैं तो इसे आप लोगों ने यूटिलाइज़ करना है। अब कुछ लोगों ने किया इसे यूज़, और अच्छी बात है कि उन लोगों ने यूज़ किया और उन्हें पता चल गया कि उनकी बॉडी कहाँ पे किस लेवल पे है और उनका असल मसला कहाँ पे खड़ा है उन लोगों को, ठीक है। थायराइड के पेशेंट हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, इसमें 4-5 लोगों ने मुझसे रब्ता किया है और उन्होंने मुझे कहा है कि हम लोगों ने ये पिया है तो हमें क्या हो रहा है, इसके सिम्टम्स देखें, उनके लिए नुकसानदेह जिनको लिए है उनमें सिम्टम्स क्या आएंगे इसको पीने के बाद, और पीना इसको डाइल्यूट करके या पानी में डाइल्यूट करके पीना है नॉर्मल लेवल पे, ठीक है। गर्म नहीं करना, गर्म करने से विटामिन सी ख़त्म हो जाता है। तो वो पीने के बाद उनको सिम्टम्स क्या इसमें क्या आएंगे, जिनके लिए नुकसानदेह होगा, उनको लगेगा कि उनका बीपी लो हो गया है, उनके कान बंद होना स्टार्ट हो जाएंगे, उनके जिस्म में चुंटियाँ की तरह फील होना शुरू हो जाएगा, और इसके अलावा उन्हें वॉमिटिंग टाइप फील होएगा, और जो वो खाना खाएंगे जो जिस तरह से प्रोटीन वो ले रहे हैं, एग्स ले रहे हैं, कुछ सीड्स मैंने बताया हुआ है कि लेने हैं डाइट में ऐड करने हैं, वो ले रहे होंगे तो वो उनके वैसे के वैसे स्टूल में से आउट हो रहे होंगे। अब और इसके अलावा इसकी रीज़न क्या है कि ये जो विटामिन ये लेमन जो ये पी रहे हैं, अब इन लोगों में क्या हो गया है, इनके ब्लड अल्कलाइन हो गया हुआ है, इनका ब्लड अल्कलाइन है ऑलरेडी, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए लेमन नहीं है, लेकिन अब ऐसे लोगों को अब ये तो नहीं कि वो उन्होंने लेमन ही यूज़ नहीं करना है, तो इन लोगों ने अपनी बॉडी को पहले ठीक करना है, अपने आप को ठीक करना है, उसके बाद वो उन्होंने यूज़ विटामिन सी के लिए लेमन पे ही जाना है, मैंने बाद में उनको यूज़ लेमन ही करवाना है। अभी फ़िलहाल ऐसे लोगों को जिस तरह की सिम्टम आ रही हैं, राशदा, सुमेरा, मिसेज अली अब्बास, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि अभी फ़िलहाल लेमन का यूज़ नहीं करना है आप लोगों ने। अब हो क्या रहा है कि इसमें वो जब ये पीते हैं तो जिनका ब्लड अल्कलाइन हो चुका हुआ होता है, तो वो क्या उनमें ऑक्सीजन, उनमें हार्ट बीट भी ज़्यादा हो जाती है, उनकी हार्ट बीट की भी निशानी है कि उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी और वो ऑक्सीजन उनके अंदर तेज़ी से जाएगी। अब ऑक्सीजन तो जा रही है लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो इस वजह से उन लोगों को ये चक्कर टाइप और ये इस तरह से वो फील हो रहा है सारा सिम्टम्स। और रीज़न मैंने क्या बताई है कि उनकी बॉडी ऑलरेडी अल्कलाइन हो चुकी हुई है, और ये किन लोगों की हो चुकी है जिन्होंने अपना डाइजेशन ख़राब कर लिया हुआ है, जिनका डाइजेशन ठीक नहीं है, ठीक है, बात उनके स्टमक से स्टार्ट हो रही है, इशू लेमन वाटर नहीं है, इशू उनके ब्लड अल्कलाइन है। ब्लड अल्कलाइन किस वजह से हुआ हुआ है कि उनका स्टमक का एसिड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब एसिड कम होने की वजह से उनकी जो ये फर्ज करें एसिडिक है बहुत ज़्यादा, ये हमारा एक लेवल है, ये पीएच लेवल एसिडिक है, ये अल्कलाइन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये यहाँ से एसिडिक चलते हुए यहाँ पे स्टमक हमारा 2 से 3 जो सा एसिडिक होना चाहिए, ठीक है, उसका पीएच लेवल 2 से 3 होना चाहिए, यहाँ पे वो एसिडिक होएगा, और जो हमारा ब्लड का है वो एसिडिक से गुजर के अल्कलाइन, ये यहाँ पे अल्कलाइन, लेकिन उनका यहाँ पे आ चुका हुआ है, उनका बहुत अल्कलाइन हो चुकी हुई है उनकी बॉडी। उसकी रीज़न क्या है, उनका स्टमक एसिड कम है, स्टमक एसिड कम होने की वजह से उनके स्टमक से जो चीज़ वो खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही, तो वो ब्लड में वैसे के वैसे वो सारी चीज़ें जा रही हैं और उनका अल्कलाइन बना रही हैं उनके ब्लड को, ठीक है। उनका ब्लड बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है, इस वजह से उनको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो उन लोगों ने अब करना क्या है, उन्होंने अपने डाइजेशन पर काम करना है, और उसकी रीज़न क्या हो सकती हैं जो ब्लड ज़्यादा अल्कलाइन होने की,
कि वो कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्मूदीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना, ग्रीन स्मूदीज़, फ्रूट स्मूदीज़, वो ज़्यादा पीने की वजह से भी जौन सा है वो साथ में स्टमक भी अल्कलाइन हो जाता है, वो अपनी बॉडी को अल्कलाइन करते करते वो ज़्यादा वो देखते हैं उसके ऊपर, नेट के ऊपर देखते हैं। स्मूदीज़ आजकल चल रही हैं, वेट रिड्यूस करने के लिए चल रही हैं, इसका तो बहुत फ़ायदे लिखे हुए हैं। स्मूदीज़ पीनी है हफ्ते में एक दो मरतबा आप लोगों ने पीनी है, फ्रूट यूज़ करना है बीच में, कभी एक दिन स्मूदी पी ली, दो दिन का ब्रेक दे दिया। जो नॉर्मल लोग हैं उन लोगों ने भी, जिनको ब्लड अल्कलाइन हो चुका होगा, स्मूदीज़ उनके लिए नहीं है, ठीक है, वो उनके स्टमक को मजीद अल्कलाइन करेंगे, मजीद उनके ब्लड को अल्कलाइन करेंगी, जो उनके लिए इशू क्रिएट करेगा। उसके अलावा किन लोगों को हो सकता है कि जो लोग लीमू छिड़क छिड़क के खाने खाते हैं, लीमू क्या है, लीमू जो है उसका जो सिट्रिक एसिड में इसमें पाया जाता है लीमू में, जो कि 2 से 3 उसका पीएच लेवल होता है, यानी कि एसिडिक होता है, कब तक, जब तक हमारी बॉडी के बाहर है। जब हम उसको खा लेते हैं लेमन को, पी लेते हैं लेमन को, हमारे स्टमक में जाके इस पर कीमिया रिएक्शन होते हैं और ये सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारी बॉडी को अल्कलाइन वो इम्पैक्ट देता है, हमारी बॉडी को अल्कलाइन करता है। अब जिनकी ब्लड पहले ही अल्कलाइन है फिर वो लेमन पी लेंगे तो उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो जाएगी, तो वो फिर इशू इन लोगों को इस वजह से इश्यूज आ रहे हैं। तो इस वजह से इन लोगों ने अपने और खानों पे मैं जो छिड़क के कह रही हूँ कि जब, अब देखें मैंने आपको बताया कि स्टमक में जाने के बाद अल्कलाइन इम्पैक्ट देता है, जब आप लोग खानों पर छिड़क छिड़क के खा रहे हैं तो वो आपका ये खाना हजम नहीं करता लीमू, ये अंदर जाके अल्कलाइन इम्पैक्ट देता है। आप लोगों ने खानों पर छिड़क के, जो नॉर्मल लोग भी हैं उन्होंने खानों पर छिड़क के नहीं खाना है, 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद आप लोगों ने लेमन का यूज़ करना है खाने के, ठीक है। सबसे बेस्ट टाइम मॉर्निंग में है, जो नॉर्मल लोग हैं जिन्होंने यूज़ करना है वो भी उन्होंने मॉर्निंग में यूज़ करना है, खाली पेट यूज़ करना है, उस टाइम पे वो अल्कलाइन करेगा उनकी बॉडी को। खाने के साथ आप लोगों ने बिल्कुल यूज़ नहीं करना है इसको, ठीक है, ये एक तो बात हो गई है। अब आप लोगों ने अपने एसिड पे, अपने स्टमक एसिड पे काम करना है, जो जिनको ये इशू आ रहा है, और स्टमक एसिड पे काम करने के लिए मैंने सबसे बेस्ट जो दुनिया में चीज़ है वो है एप्पल साइडर विनीगर, सिरका, सेब का सिरका, नेचुरल सिरका, ठीक है, कोई इम्पोर्टेड नहीं लेना, लोकल अपना वो लें, उसे आप यूज़ करें। आप लोगों ने अब जहाँ मैंने सुबह बताया हुआ है मॉर्निंग ड्रिंक में आप लोग अपना लेमन वाटर बनाना है, आप लोगों ने लेमन वाटर नहीं बनाना, आप लोगों ने एप्पल साइडर विनीगर बनाना है। और आप लोगों को याद है कि मैंने आप लोगों को जो लास्ट वीडियो इस पे लेमन पे किया था, मैंने ये कहा था कि 3 ड्रॉप आपने एप्पल साइडर विनीगर भी बीच में डालना है, ठीक है, अल्कलाइन के साथ थोड़ा सा वो मिक्स करके, मैं बिल्कुल बैलेंस कर रही थी आपके स्टमक को। अब आप लोगों ने लेमन यूज़ नहीं करना है, जिनको इशू आ रहा है उन्होंने 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप जो उनसे, अब एप्पल साइडर विनीगर भी भर भर के आप लोगों ने यूज़ नहीं करना है, जो चीज़ मैं जिस तरह से बताऊंगी वैसे ही आप लोग लेके चलें और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुश हों कि आप लोगों को पता चल गया कि आपका इशू कहाँ पे है, आपका इशू एक 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 ये जड़ है जिसकी वजह से ये सीधी होगी तो आपकी सारी बीमारियां, थायराइड, फैटी लिवर, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप लोग मेरे साथ चलें तो सही, 4 महीने आप लोग ये मेरा डाइट प्लान और मेरी चीज़ें लेके चलें। इश्यूज़ आते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा करें। अब जिस तरह सुमेरा लोगों ने लिखा, राजदा ने रब्ता किया, सबने कहा कि हमें ये पीने के बाद ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर मुझे हुआ कि ये और भी बहुत से लोग हैं जिनको ये इस तरह के इश्यूज़ आ रहे होंगे, तो मैं वीडियो ही इस पर बना देती हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, अब 3 से 4 ड्रॉप मॉर्निंग में लेने हैं आप लोगों ने, ठीक है, अपने 2 ग्लास पानी में वो डाल के पानी आप लोगों ने पीना है, ठीक है, वो किडनी के लिए भी अच्छा है और वैसे भी पूरी बॉडी के लिए एनर्जी लेवल हम लोगों को वो देता है सुबह सुबह पानी। तो आप लोगों ने वो 3 से 4 ड्रॉप मॉर्निंग में डालना है, थोड़ा सा हिमालयन पिंक साल्ट डालना है, वो एनर्जी लेवल आप लोगों को नाश्ते से पहले वो देगा 2 घंटे के लिए, ठीक है, इस तरह से यूज़ करना है। उसके बाद आप लोगों ने दोपहर का जब खाना खाना है ना, आजकल एप्पल है जिस तरह मौसमी फल जो है वो यूज़ किया करें, एप्पल जिस तरह से है वो आप लोगों ने दोपहर के खाने से 1 घंटा पहले आप लोगों ने अपना फ्रूट लेना है, 1/2 घंटा 1 घंटा पहले लेना है, वो भी डाइजेशन में आपको हेल्प करेगा। उसके बाद आप लोगों ने एप्पल साइडर विनीगर जो है वो खाना स्टार्ट करने लगे हैं, उससे पहले 1/2 ग्लास आप अपना पानी लें और उसमें आप लोग 1/2 टीस्पून जो है एप्पल साइडर विनीगर डाल के मिक्स करके और स्ट्रॉ के साथ, स्टील के स्ट्रॉ के साथ, स्टील के मग में यूज़ करना है, वो आप अपना पानी पियेंगे, उसके बाद आप लोग अपना खाना खा लेंगे, आपकी डाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता बेटर होती जाएगी। एप्पल साइडर विनीगर क्या करेगा, आपके स्टमक के एंजाइम्स को रिलीज़ कराएगा जो आपकी डाइजेशन को बेहतर करने में आपकी हेल्प करेंगे। तब तक आप लोगों ने प्रोटीन्स को उस टाइम पे यूज़ करना है जिस टाइम पे आप अपना एप्पल साइडर विनीगर दोपहर को ले रहे हैं ना, तो प्रोटीन को आप लोगों ने इसके साथ करना है। सुबह भी जब आप लोग नाश्ते से पहले ये 3 ड्रॉप वाला वो 3-4 ड्रॉप वाला एप्पल साइडर विनीगर पी लेंगे, आपका अंडा वगैरह जो उनसे है वो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने में जान लगती है जिस्म की, तो वो डाइजेशन आपकी वो करवा देगा, ठीक है। उसके बाद जो सीड्स वगैरह हैं वो आप लोग जहाँ 2 चम्मच मैंने बताए हुए हैं 1 चम्मच आप लोग यूज़ कर लें, लेकिन अगर आप लोग साथ में एप्पल साइडर विनीगर दोपहर को खाने के साथ इस तरह पी लेंगे इंशाल्लाह वो भी डाइजेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपने ये एप्पल साइडर विनीगर
इंप्लीमेंट करना है अपने स्टमक की डाइजेशन को बेहतर करने के लिए। जब स्टमक की डाइजेशन बेटर हो जाएगी तो ब्लड में से ये सारी अल्कलाइन जो हुआ है ये ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये हो गया इशू तो ये रिवर्स भी हो सकता है, ये बीमारी ठीक भी हो सकती है। कोई ऐसी नहीं है कि आप लोगों को इसके लिए बहुत सी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी तभी ठीक होगा। ये आप लोग नॉर्मल नेचुरल वे में आप लोग चलेंगे और एप्पल साइडर विनेगर को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ठीक हो जाएगा आपका ये इशू। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने अपना डिप्रेशन कम करना है, अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है, और ये बहुत बहुत ज़रूरी है। 50% इसका रोल है, ठीक है। डीप ब्रीदिंग आप लोगों ने करनी है, रिलैक्स होके आप लोगों ने अपना बैठना है। जब अपनी इबादत कर रहे हो रिलैक्स होके करें, ठीक है। मेडिटेशन आप लोगों की होगी उस टाइम पे, अपनी सांस को, अपने जो वर्ड्स बोल रहे होंगे इबादत में उन सबको आप लोगों ने अपने माइंड में, तभी आप लोग इन सबको सोच पाएंगे। इसलिए ध्यान के साथ कहते हैं अपना जो इबादत है ध्यान के साथ करें। ध्यान के साथ करेंगे तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग का और आपके सांस का कनेक्शन बनेगा, ठीक है। उसमें फिर आप डीप ब्रीथ अपने नाक के थ्रू सांस लेके जाएंगे, मुंह के थ्रू निकालेंगे अपने एक, तो उस टाइम पे आप लोगों ने काम डाउन होना है। उसके बाद आपने दिन में 4-5 मरतबा बैठना है रिलैक्स होके, और आप बिल्कुल अपने जिस्म को ढीला छोड़ के, और आप लोगों ने डीप ब्रीदिंग करनी है। मैं आप लोगों को एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है, दूसरी एक्सरसाइजेज जो हैं अपने स्टमक के लिए, अपनी हेल्थ को सही करने के लिए, ये डीप ब्रीदिंग जो है स्पेशली स्टमक के लिए है। हमारे दो ब्रेन है, एक यहाँ पे, एक हमारे स्टमक के अंदर है। जब हम डिप्रेशन में होते हैं ना तो ये वाला जो ब्रेन है ना ये इधर मैसेज दे देता है कि ये बॉडी डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है। वहीं पर जो हमारे स्टमक के एंजाइम में अकड़ जाते हैं, वो रिलीज नहीं करते एंजाइम को। हमारे जो मसल्स हैं ना हमारे स्टमक के, एक तो वैसे 30+ बाद जो है वो हमारी म्यूकसा लेयर जो है वो खत्म होना शुरू हो जाती है, जो एंजाइम रिलीज करती है डाइजेशन के लिए वो खत्म होना शुरू हो जाती है। उसके बाद स्ट्रेस लिया होता है आप लोगों ने, वो जो है वजह बन रहा होता है, वो एंजाइम रिलीज नहीं होते हैं, स्टमक के मसल अकड़ जाते हैं, वो रिलीज नहीं करते एंजाइम्स। तो फिर खाना, जब एंजाइम्स ही नहीं आएंगे, वो वैसे का वैसा जैसे एक प्लेट में ढक दिया जाए आप खाना, इसकी आपके पेट में ये एग्जांपल है, जब एसिड नहीं है ना स्टमक में, स्टमक को बहुत एसिडिक होना चाहिए, 2-3 इसका पीएच लेवल होना चाहिए। घर सबसे ज़्यादा होती है, घर की बैटरी का पीएच लेवल होता है 2-3, उतना ही हमारे स्टमक का होना चाहिए तब हमारा खाना डाइजेस्ट होगा, तो ठीक है। और उतना ही चाहिए भी, इतना अच्छा है ये स्टमक का एसिड ज़्यादा होना। तो आपका अगर नहीं है स्टमक का एसिड, तो एग्जांपल ये है कि आप लोगों ने खाना डाला है उसके ऊपर प्लेट से ढक दिया है, इसी तरह आपने अपने बैली में खाना डाला है ऊपर, वो उसका आप लोगों ने वो उसको खाने को अंदर वो ढक दिया है, वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा, वो कहाँ जाएगा खाना, वैसे का वैसा आंतों में जाएगा, वैसे का वैसा स्टूल में से पास आउट होगा, इसी वजह से सुनहरा स्टूल में से वैसे ही सीड्स निकल रहे हैं, वैसे ही वो सारा हो रहा है। रीज़न यही है कि डाइजेशन नहीं है आपकी ठीक, आपने डाइजेशन पे काम करना है, मसला लेमन वाटर में नहीं है, आपकी डाइजेशन में है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी डीप ब्रीदिंग, ये दो चीज़ें आप लोग इंप्लीमेंट करें, मुझे 15 दिन के बाद आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज बताना है कमेंट्स करके कि साजिदा हमारा आपने ठीक कहा था, हमारी डाइजेशन बेटर हो गई है और हम लोग डाइजेस्ट करना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। 15 दिन के बाद जब आप फील करेंगे हमें पच रहा है, हमारा डाइजेस्ट हो रहा है सारा, उसके बाद आप लोगों ने हाफ लेमन से स्टार्ट करना है, ठीक है। जब आप ठीक हो जाएंगे, जब आपको लगेगा कि हमारा बिल्कुल अब वो स्टूल ठीक आ रहा है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि डाइजेशन हमारी ठीक है, तो आप लोगों ने उसके बाद आप लोगों ने हाफ लेमन से स्टार्ट करना है, ठीक है। मॉर्निंग ड्रिंक और एप्पल साइडर विनेगर के 3-4 ड्रॉप डालने ही डालने हैं। जिनको ये इशू नहीं भी है ना, मैं भी 3-4 ड्रॉप डालती हूँ, वो फिर सारे दिन के लिए डाइजेशन के लिए एंजाइम्स हमारे हो जाते हैं, इंसुलिन को हमारी कंट्रोल कर देता है, ये जो एप्पल साइडर विनेगर है और लेमन है हमारी इंसुलिन को कंट्रोल करता है, जो हमारी सुबह सुबह आउट हुई होती है, रात को हमने खाना खुना खा के वैसे सो गए होते हैं, तो वो फिर आप लोगों ने इन चीज़ों पर करके फिर आप लोगों ने वो हाफ लेमन से स्टार्ट करना है। फिर करते करते आप लोगों ने 1 लेमन पे आ जाना है, पहले 2 हफ्ते हाफ लेमन पे आप लोग करेंगे यूज़, उसके बाद आप लोग खुद देखेंगे कि आपका वो कोई सुइयाँ नहीं चुभ रही हैं, कोई इस तरह की वो नहीं हो रही है कि डाइजेशन में इशू आ रहा है, फिर आप लोग 1 लेमन पे आ जाएंगे। फिर असल जो सा यूज़ है वो 1 लेमन है पर डे, ठीक है, सुबह मॉर्निंग में, वो भी सुबह मॉर्निंग में इसे खाली पेट यूज़ करना है और खाने के साथ नहीं इसे यूज़ करना। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों का इशू सॉल्व करने की, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।